गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस स्टूडेंट, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, इसको हम छोटे से डेरिवेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। ओके स्टूडेंट, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो बॉल हैं हमारे ए एंड बी। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास एम ए एंड एम वी, क्लियर स्टूडेंट, आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिफरेंट वेलोसिटी यू ए एंड यू बी, बिकॉज यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो वी रिप्रेजेंट यू ए एंड यू बी। देन आफ्टर देयर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force acting on them, the two balls collide with each other as shown in this figure. Collide means टकराना, ये दोनों बॉल एक डायरेक्शन में आ रही थी, वो एक दूसरे से टकरा गए। After collision their velocity change, yes the velocity of A is VA and velocity of B ball is VB, because V is denoted by the final velocity, V for van को हम final velocity से denote करते हैं। Clear student? जब यहाँ पर एक collide हो रहा था इन दोनों ball के बीच में, तो जो A ball है B ball पर force लगा रही थी, तब हम उस force को बोलेंगे F A B। A ball ने B पर लगाया, और जब B ball A ball पर force लगा रही थी तो हम उसको बोलेंगे F बी ए, क्योंकि बी ने लगाया ए पर। क्लियर स्टूडेंट, सारी कंडीशन समझ आ गई। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, ये दो बॉल हैं ए और बी, इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, इसकी वेलोसिटी यू ए, इसकी वेलोसिटी यू वी, ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रही थी, ये एक दूसरे से कोलाइड हुई, टकराई, टकराने के बाद में इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ये हो गई वेलोसिटी वी ए, इसकी वेलोसिटी हो गई वी बी। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम मोमेंटम निकालेंगे। इससे पहले मैंने आपको मोमेंटम भी समझाया था, मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, अगर हम टकराने से पहले और टकराने के बाद का अगर हम मोमेंटम निकालें तो कितना निकलेगा। इसका मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी एम ए एंड यू ए, इसका हो जाएगा एम ए एंड वी ए, एम ए यू ए एंड एम ए वी ए, बिफोर आफ्टर सेम एज दिस बॉल बी, इसी तरह से हम बॉल बी का निकालेंगे तो वो हो जाएगा एम बी यू वी और एम बी वी वी बी। ओके स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम इज, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हो जाएगा एफ ए बी, इट मीन्स ड्यूरिंग द कॉलिजन विल बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। जिस तरह से हमने बॉल ए का निकाला है उसी तरह से हम बॉल बी का निकालेंगे, तो हो जाएगा एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ओके स्टूडेंट, हमने इन दोनों का निकाल लिया मोमेंटम। अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट, इट मीन्स एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी, क्लियर, माइनस आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इनकी वैल्यूज पुट करिए, एफ ए बी की वैल्यू थी एम ए वी माइनस वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, इसकी थी एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी, यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलकर इनका इंटू करेंगे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू वी एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, सारी टर्म सेम टर्म एक साइड, अपोजिट टर्म्स एक साइड, यानी कि यहाँ पर वी ए और वी बी एक साइड, यहाँ पर यू और यू ए और यू बी, तो हम देखेंगे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी। इट मीन्स टकराने से पहले का जो कंजर्वेशन था इज इक्वल टू द आफ्टर कॉलिजन, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर स्टूडेंट, द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों हमारा सेम है,
जब कोई भी चीज़ पहले भी वही थी बाद में भी उतनी ही है, न घटी न बढ़ी, इसका मतलब वो क्या है, कंजर्व. सो इट इज़ नोन एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्लियर है स्टूडेंट? आपका टॉपिक और आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया. कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट बाकी है. थैंक यू.